हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाजिम व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ में, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके। आज बनाऊंगी ये है हमारी घिया। आपने घिया की सब्ज़ी खाई होगी, ऑलमोस्ट सभी को घिया पसंद नहीं आती है, बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ एक इसकी स्वीट सी रेसिपी। ये मैंने अपनी घिया छील ली है, तो आज बनाऊँगी अपने घिया का हलवा। यस, तो ये है हमारा कद्दूकस। मैंने अपनी घिया को छील के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, उसके बाद में इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी और जो इसके बीज होंगे वो मैं इसको निकाल दूँगी। एंड देखिए, हमारे सारे कद्दूकस हो चुकी है अच्छी तरीके से। एंड अब चलिए चलते हैं, अपनी कढ़ाई को मैंने रख दिया है। कढ़ाई को रखने के बाद में इसमें मैंने डाला अपना 2 स्पून घी, देसी घी। तो एंड उसके बाद में ये मेरी छोटी इलायची हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया था। आप खाली बीज भी डाल सकते हैं, मैंने पूरी ही इसमें ऐड करी थी। उसके बाद में अपना मैंने इसमें जो घिया था हमने कद्दूकस करी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से हमें फ्राई करनी है, सॉटे करनी, जो इसका एक्स्ट्रा वाटर होगा जो घिया का जितना भी निकलेगा दबा दबा के, हमें इसे अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना है और अच्छी तरह से एक फ्राई भी हो जाएगी हमारी हल्का सा। ये बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसको जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसको इजीली से अपने घर में बना सकते हैं। इसकी बर्फ़ी भी बनती है एंड ज़्यादातर हलवा बच्चों को पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने आज अपने बच्चों के लिए हलवा बनाया है। बच्चे मेरी हमारा कुछ ना कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, कभी ग्रीन हलवा, कभी रेड हलवा, कभी येलो हलवा। तो आज मैंने घिया का हलवा बना दिया क्योंकि इससे बच्चों को बच्चे घिया नहीं खाते हैं और वेजिटेबल भी खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों के लिए आज घिया का हलवा बनाया है। तो वही मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर था सारा ही ड्राई हो चुका है, मैंने आपको वाटर दिखाया भी था अभी। एंड ये देखिए, हमारा सारा ही वाटर एक्स्ट्रा ऑब्जॉर्ब हो चुका है। देखिए, हमारी घिया हल्की सी चिपकने भी लगी है। तो इसी बीच में हम अपनी घिया को अब खूब अच्छे से ड्राई कर लेंगे, खूब अच्छी तरीके से। एंड ये देखिए, एंड ये है मेरी ड्राई फ्रूट जो कि मैंने कोकोनट एंड शुगर है, ये हमारे ड्राई फ्रूट हैं। कुछ आप एज यूजुअल जो भी डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने घी के ऊपर मैंने अभी बनाया था जर्दा बारे रविवल पे, तो उसका जो चाशनी थी थोड़ी सी मेरी बच गई थी, तो मैंने सोचा उसको वेस्ट नहीं करते हुए तो वो मैं चाशनी इसमें डाल दी है, अपनी ऐड कर दी है। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दी अपनी थोड़ी सी शुगर अपने अकॉर्डिंग, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैं इसलिए अपने अकॉर्डिंग ऐड करूँगी, ना ज़्यादा ना कम, मीडियम मैंने डाली हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे मीठा खाना आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा अब इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा है इसका चाशनी का, थोड़ा चाशनी का पानी निकलेगा चीनी का, तो वह हम अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेंगे। उसी बीच में मैंने अपने जो कोकोनट कद्दूकस के रखा था कोकोनट, उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा, पूरा ऐड नहीं करेंगे, आधा हाफ़ मैंने ऐड किया हुआ है, हाफ रख दिया है गार्निश के लिए ऊपर से। तो इससे हमारा टेक्सचर और फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी आता है। ये देखिए, और एंड ये देखिए सी, और कोई फर्स्ट टाइम आके विजिट कर रहा है चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखिए, हमारे मैंने अपने यहाँ पे कट कर लिए ड्राई फ्रूट। एंड इसी बीच में हमने डाल दिया इसमें मिल्क, मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया हुआ है। इसमें कोई मावा की ज़रूरत नहीं है, खोया की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अर्श मेरा आ गया है तो इसी को हम अपने अच्छी तरीके से गैस का फ्लेम स्लो करते हुए इसको हमें चलाना है। एंड गैस की फ्लेम हमें स्लो पे ही रखना है और कंटिन्यू एक हैंड से चलाना है ताकि जो हमारा मिल्क है वो फटे ना। अगर आप फुल पे गैस की फ्लेम फुल पे रखेंगे तो हमारा मिल्क होगा वो फटने का चांस होगा, इसीलिए गैस की फ्लेम हमें स्लो पे रखना है और कंटिन्यू हल्के हैंड से इसे हमें चलाते रहना है। इसी फिर हम इसे हल्का सा ड्राई कर लेंगे।
गाइस आप लोग वीडियो पे नहीं आते हैं, प्लीज़ वीडियो पे आया करें, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे तक पहुंचेंगे। एंड मैं सभी की वीडियो फुल वॉच करती हूँ, सभी की वीडियो पे जाती हूँ। एंड प्लीज़ आप भी आया करें। ये देखिए मेरे फेस पे कितनी स्वेटिंग हो रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे को तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एंड गर्मी अभी बीच में वेदर अच्छा हो गया था एंड फिर से नॉर्मल वही वाला मौसम हो गया है एंड वेदर चेंज हो रहा है, लास्ट वेदर है ये। ये देखिए हमारे यहाँ पे मैं आपसे बात भी कर रही थी एंड यहाँ पे हमारा अब घी का हलवा स्वीट रेसिपी बनने वाली है। इसको हम और थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, बिल्कुल ही हम ड्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा एक बैटर बनके रेडी हो जाएगा एंड इसको हमें एकदम ऑयल छोड़ देगा ये नीचे से, उस स्टेज तक हमें इसे पकाना है अच्छी तरीके से। अब हमने गैस की फ्लेम फुल पे कर दिया है 5 मिनट के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है, जितना भी मिल्क है वो एकदम ड्राई हो जाएगा, ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। एंड ये मेरी ड्राई फ्रूट है वो मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी अपनी, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप, फुल ये ड्राई होने वाला है। ये देखिए अच्छी तरीके से अभी हमारा ड्राई हो चुका है, नीचे से हट भी रहा है, बिल्कुल एक बैटर की तरह बन के रेडी हो रहा है ये। इसमें मैंने डाल दी अपनी किशमिश, थोड़ी सी बादाम डाल दी मैंने एंड मेरे पास ड्राई फ्रूट रखे थे सनफ्लावर के बीज, सारे ही ड्राई फ्रूट मैंने वो सारे इसमें ऐड करूँगी ऊपर से। अब इसे हम बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये देखिए हमारी ड्राई हो चुकी है अच्छी तरीके से। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगा था, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड काफ़ी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हैं, किस दिन रेसिपी खिलाइए आप। तो मैंने कहा ज़रूर खिलाऊँगी। तो ये देखिए हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, मैंने सर्व कर दी है। यहाँ से अब हम गार्निश कर लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं। अर्श को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है मुझ पे, तो अर्श मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है आके यहाँ पे तो उसी की आवाज़ आ रही होगी अर्श की। ये देखिए हमारा घी का हलवा रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है, अब मैंने सर्व कर दिया, आप लोग आ जाइए खाने के लिए। एंड आप लोग बताना कि मेरी ये स्वीट रेसिपी कैसी लगी। ऐसी मेरी सारी ही रेसिपी जितनी भी होती हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं ताकि आप लोग इजीली तरीके से बना सकें, जब भी झटपट खाने का मन करे या कहीं आपको जाना हो, आप कहीं टूर पर जाएँ या पिकनिक जाएँ या, तो आप इसको बना के अपने लंच बॉक्स में या कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके बाय बाय।